राइट, अपने पास रिसोर्सेस है. अब यू लुक अराउंड, आप आपके डेस्क पे जहाँ पे भी अभी बैठे हो ना, जस्ट लुक अराउंड कि आपके पास किताबें हैं, आपके पास चार्ट्स है, आपके पास फास्ट ट्रैक है, मैराथॉन्स है, यू नो स्टेशनरी है अच्छी सी, जो भी, इनफैक्ट नेम इट एंड यू गेट इट, जो भी आप आपके पेरेंट्स को बोलते हो आपको मिल जाता है सामने. लेकिन स्टिल मैम वो मोटिवेशन नहीं है अंदर से पढ़ाई का. मैम पढ़ाई चालू करते बट एनर्जी लेस सा फील होता है. मैम यार डे एंड आते आते बहुत टायर्ड फील होता है, बहुत लेजी फील होता है. तो प्रॉब्लम क्या है यार, सब कुछ है, सब कुछ है जो आपको पढ़ाई करवा सकती है, स्टिल वी आर नॉट एबल टू गेट दैट आउटपुट एंड स्टिल वी आर नॉट एबल टू स्टडी. प्रॉब्लम बस एक चीज में है, विद दिस सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस अराउंड वी आर लैकिंग वन थिंग, दैट इज फोकस. यू नो अपन एक पैटर्न्स ऐसे डेवलप कर लिए हैं जिस वजह से अपना दिमाग फोकस नहीं कर पाता, एंड फोकस नहीं कर पाता इस वजह से जो प्रोडक्टिविटी आप एक्सपेक्ट करते हो वो प्रोडक्टिविटी नहीं निकाल पाते हो आप. अभी एग्जाम को बस 2 महीने बचे हैं, ये 2 महीने अपन स्टेक पे नहीं डाल सकते, इसीलिए ये वीडियो में मैं 7 डेज के लिए, आपको नेक्स्ट 7 डेज के लिए ये 3 चीजें करना शुरू करना है जिससे आपका फोकस राइट ऑन ट्रैक आ जाएगा, आपका फोकस बढ़ जाएगा पढ़ाई में, एंड यू विल स्टडी लाइक नेवर बिफोर. यू नो व्हाट, दिस ये जो आपका ब्रेन है ना, दिस इज द मोस्ट पावरफुल टूल, इसको अभी काम पे लगाने का टाइम आ चुका है. यू हैव टू फ्लेक्स दिस मसल ऑफ योर बॉडी एंड फिर देखना, यू आर मेंट टू डू वंडर्स, सी द मैजिक अनफोल्डिंग. बस ये 3 चीजें करो एंड आई एम सेइंग यू एट द एंड ऑफ द डे आप मोटिवेटेड भी रहोगे, आप हैप्पी भी रहोगे एंड आप फुल ऑन चार्ज रहोगे, एंड पढ़ाई तो होने ही वाली है बॉस. तो ये वीडियो ध्यान से देखना, एंड तक देखना, एंड ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज गाइज टाइम टू टाइम, मुझे पता है आप क्या प्रॉब्लम्स फेस करते रहते हो, इसलिए ऐसे वीडियोस टाइम टू टाइम इस चैनल पे आने वाले. चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकॉन हिट करके रखना. जैसे कि अभी मुझे पता है आपको एक कॉमन प्रॉब्लम फेस हो रही है कि मैम रिटेन नहीं हो पा रही है चीजें, रिटेंशन पे कि आप कौन सी ऐसी साइंटिफिक टेक्निक्स यूज करके सब चीजें जो अभी आप कर रहे हो आप वो रिटेन कर सको, इस पे जल्दी एक वीडियो आने वाला है. तो ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आने वाले, तो सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकॉन हिट करके रखना. नंबर 1 थिंग विच वी नीड टू स्टार्ट डूइंग विद इमीडिएट इफेक्ट इज नो एस्केप प्लान्स. अभी क्या है ना, आपका जो दिमाग है ना वो दिन भर में अगर आप देखोगे, थोड़ा सा एनालाइज करना अपने दिमाग को कि यहाँ पे रियलिटी से ज्यादा इल्यूजनरी चीजें चलती रहती है. इल्यूजन मतलब क्या, कि मैं फेल हो गई तो, पास परसेंटेज कम आ गया तो, पेपर डिफिकल्ट सेट हुआ तो, यू नो, या फिर मैं नए कोर्स में कन्वर्ट हो गई तो, 100 चीजें जो चल रही है वो वॉट इफ्स में चल रही है, इल्यूजन में चल रही है. तो आपको क्या करना है, ये वाले जो थॉट्स हैं उनको पॉज करना है, एंड पॉज करने के लिए क्या करना है, स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट राइटिंग. जो भी आपके दिमाग में चल रहा है एक पेन एंड पेपर ले लो, हर 1 घंटे के बाद एक पेन एंड पेपर ले लो, खुद को 10 मिनट दो जर्नलिंग का, जो यहाँ पे चल रहा है वो लिख लो. सी, एक कॉलम में आपका प्रॉब्लम लिख लो और उसके साथ एक सोल्यूशन बॉक्स डालो. आपको मैक्सिमम टाइम समझेगा कि प्रॉब्लम तो कुछ है ही नहीं, प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं, आई एम क्रिएटिंग दीज प्रॉब्लम्स बाय क्रिएटिंग दीज थॉट्स इन आर माइंड. और धीरे धीरे करके ये पैटर्न सेट हो गया अपना कि अननेसेसरी चीजें सोचते रहते हैं, ऐसे करते करते 3 दिन 4 दिन 10 दिन चले जाते हैं एंड फोकस की तो बैंड बज गए, फोकस नहीं कर पाए इसलिए टारगेट्स अचीव नहीं कर पाए. तो सिंपल करना है अभी, नो मोर थिंकिंग हियर, स्टार्ट राइटिंग. लिखो लिखो लिखो, आपको आधे सॉल्यूशंस, इनफैक्ट 70-80% थॉट्स तो ऐसे ही गायब हो जाएंगे. आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी पेटी चीजों पर मैं सोच रही थी जिसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है, दिस इज इल्यूजन, दिस इज नॉट रियलिटी. लेकिन धीरे धीरे आप क्या पैटर्न्स डेवलप कर रहे हो, रियलिटी समझ रहे हो कि पेपर डिफिकल्ट आ गया है, पास परसेंटेज कम आ गया है. नो नो नो, दैट इज नॉट द रियलिटी, इट्स जस्ट द थॉट्स. उनको ब्रेक लगाने का टाइम अभी आ चुका है, इसीलिए स्टार्ट राइटिंग इट down instead of thinking here. That's going to increase your focus for sure, 100%. Number 2 step is dopamine detox. Now this is the crux of this video, इसलिए मुझे ध्यान से सुनना. एक example के through explain करती हूँ. एक बार scientist ने क्या किया, कुछ rats lab में लेके आए, उनके सामने एक lever place कर दिया, lever जिसको एक handle था, और rats के दिमाग में कुछ electrodes fix कर दिए. ऐसे electrodes जब भी वो rats वो handle pull down करते थे ना, ये electrodes rat के अंदर dopamine hormones generate करते थे. Dopamine hormones का काम क्या होता है, to make the person feel good, वो pleasure feel होता है, अच्छा feel होता है अंदर से. तो rats, you won't believe, they were just pulling it down constantly. 2 दिन बीत गए and they were all happy, all charged up because उनके अंदर वो feel good hormones generate हो रहे थे because of those electrodes.
दो दिन के बाद साइंटिस्ट रिमूव्ड दोज इलेक्ट्रोड्स एंड द रैट्स वर ट्राइंग टू पुल इट डाउन पुल इट डाउन, लेकिन उनके अंदर कुछ जनरेट ही नहीं हो रहा था. इस वजह से मोटिवेशन कम हो गया. दे स्टॉप्ड पुलिंग इट डाउन. इनफैक्ट उन्होंने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया बिकॉज अंदर से कोई मोटिवेशन नहीं बचा. लेकिन उनके मुंह में जब खाना ला के दे रहे थे तब वो खा रहे थे, लेकिन खुद से कोई भी चीज करने का उनका कोई मन ही नहीं कर रहा था बिकॉज कोई भी अंदर डोपामिन जनरेट ही नहीं हो रहा था. अपने साथ भी कुछ ऐसा ही होता है कि जब पढ़ाई करने को बैठते हैं कुछ अच्छा नहीं लगता है. नो मोटिवेशन, कोई अर्ज ही नहीं है पढ़ाई करने की. वो ही अगर मैं स्क्रॉल करने बोलूं तो सोशल मीडिया दे दो तो सामने, नेटफ्लिक्स दे दो तो सामने, या फिर यू नो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से चिटचैट करने बोलूं तो, वीडियो गेम खेलने बोलूं तो, दैट इज गोइंग टू मेक यू फील गुड. तब टायर्ड फील नहीं होगा आपको. अब खुद आप अपना ना थोड़ा वीडियो पॉज करके स्क्रीन टाइम देखना, आप आपके फोन में कितना टाइम स्पेंड करते हो. आई बेट ऑन दिस 5 से 6 घंटा तो आप आपके फोन पे रहते हो, उसके ऊपर 7 घंटा सोते हो, 2-3 घंटा खाना पीना होता है, और फिर बोलते हो मैम कितनी भी कोशिश करूं 5 से 6 घंटे के ऊपर पढ़ाई नहीं हो पाती. क्यों पढ़ाई नहीं हो पाती? बॉस, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा टाइम स्क्रीन में जा रहा है, और स्क्रीन में जा रहा है बिकॉज वो जायज है, वहां पे डोपामिन जनरेट हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है अपने को. तो क्या किया जाए जिससे पढ़ाई करते टाइम अच्छा फील हो? दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ. नंबर वन थिंग जो आपको करनी है, स्टार्ट ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस. आपने कभी भी वीडियो गेम खेलते टाइम देखा होगा कि स्टेज 1 क्लियर्ड, दैट जनरेट्स दैट डोपामिन इन यू, स्टेज 2 क्लियर्ड, दैट जनरेट्स दैट डोपामिन इन यू. वो ही आपको करना शुरू करना है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको 31 अगस्त तक आपका फर्स्ट रीडिंग खत्म करना है, उसमें भी स्प्लिट कर दो कि 30% मुझे 15 अगस्त तक खत्म करना था, या फिर नेक्स्ट 30% मुझे 25 अगस्त तक खत्म करना था, उसका नेक्स्ट 30% मुझे 5 सितंबर तक खत्म करना था. जस्ट एन एग्जाम्पल. जैसे ही 30% खत्म हुआ, स्टेज 1 क्लियर, नाउ दैट इज गोइंग टू हेल्प यू हैव दैट मोटिवेशन फ्रॉम विद इन टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट 30%. जैसे जो मेरी चैप्टर वाइज टेस्ट है, पोर्शन वाइज टेस्ट है, वहां पे मैं सिमिलर थिंग करती हूँ. जैसे ही स्टूडेंट एडमिन पैनल पे लॉग इन करता है, वहां पे उसको उसका एक प्रोग्रेस बार दिखता है, उसको समझ में आता है कि मैंने कितनी परसेंटेज ऑफ टेस्ट दी है, कितने परसेंटेज ऑफ टेस्ट देने बचे हैं. सो दैट मोटिवेट्स हिम टू स्टडी. ऑल्सो हमने एक लीडर बोर्ड फीचर लॉन्च किया है, जहां पे जो स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दे रहे हैं उनके लिए हम टॉप 5 रैंक्स निकाल रहे हैं, ताकि स्टूडेंट्स को मोटिवेशन रहे. दे स्टार्ट फीलिंग गुड द मोमेंट दे सी देयर नेम इन द टॉप 5 लिस्ट. दे स्टार्ट फीलिंग गुड एंड दे स्टार्ट वर्किंग फॉर इट मोर एंड मोर, और हाथ पैर मारना शुरू करते हैं बिकॉज दे वॉन्ट कि मेरा नेम यहाँ पे मेंटेन रहे. ऑल्सो असेसमेंट रिपोर्ट है. असेसमेंट रिपोर्ट में हम रेटिंग्स दे रहे हैं बेस्ड अपॉन कॉन्सेप्ट, बेस्ड अपॉन प्रेजेंटेशन, बेस्ड अपॉन लैंग्वेज. तो जिन स्टूडेंट्स को 5-5 की रेटिंग्स मिल रही है ना, टू मेंटेन दैट रेटिंग दे आर स्टडिंग हार्डर एवरी सिंगल डे. तो हम आपको आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस तो बताएंगे. इसके साथ साथ थोड़ा सा आपको और डीप में क्लैरिटी देने के लिए हम एक नया फीचर लॉन्च कर रहे हैं, मिस्टेक हाइलाइटिंग सेशंस, जिसमें हम हर टेस्ट का एक स्पेसिफिक सेशन कंडक्ट करेंगे, और उस सेशन में हम स्पेसिफिक ब्लंडर्स पॉइंट आउट करेंगे, प्रिसाइज ब्लंडर्स पॉइंट आउट करेंगे कि बच्चे कहां पे गलतियां कमिट कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में कहां गलती हो गई, इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम हो गया क्या, या फिर कोई सेंटेंस कंफ्यूजन हो गया क्या. सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर श्योर. आप खुद की गलतियों से तो सीखोगे ही सीखोगे, दूसरों की गलतियों से भी सीखोगे. जैसे कि परसों मैं एक पेपर देख रही थी, सेक्शन 285 पे सवाल था. सेक्शन 285 का शेयर कैपिटल का लिमिट है 4 करोड़ और टर्नओवर का लिमिट है 40 करोड़. बच्चा गॉट कंफ्यूज्ड ड्यूरिंग द टेस्ट एंड उस वजह से उसको मार्क्स नहीं मिले. कॉमन एरर है. रिजल्ट में जब ऐसी सिली मिस्टेक्स देखते हैं ना अपन, इस वजह से मेरे 5 से 10 मार्क्स चले गए, तब देयर इज नो टर्निंग बैक. लेकिन अगर अभी ये गलती आपको समझ गई तो आपको रियलाइज होगा, अच्छा इस छोटी सी गलती के वजह से मेरे 10 मार्क्स टेक पे चले गए. तो आप कॉन्शियसली पढ़ाई करते हो इसके आगे, तो बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए. ऑलरेडी एक्सट्रीमली अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज है. अभी जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी एनरोल कर लिया है उनसे हम कोई भी एडिशनल चार्जेस नहीं लेने वाले हैं, और जो एनरोल करवाने वाले वो एनरोल ASAP बिकॉज जल्द ही प्राइस हाइक होने वाले हैं. हम आपके हर पेपर्स को यहाँ पे रेड, ऑरेंज और ग्रीन कलर्स में फ्लैग करते हैं. वेल, रेड एंड ऑरेंज स्टैंड्स फॉर अंडर परफॉर्म पेपर, सो दैट आपको स्पेसिफिक चीजें समझे कि मैं कहाँ पे क्या गलती कमिट कर रही हूँ. इसके अलावा 2 से 3 दिन में पेपर चेक करके दे देते हैं, और ICA लेवल के पेपर सेट किए जाते हैं. यहाँ पे पर्सनलाइज एडमिन पैनल मिलता है, जहाँ पे सब क्वेश्चन पेपर, सब सजेस्टेड आंसर्स एक ही जगह पे स्टोर रहते हैं. सो दैट फ्यूचर में इफ यू वॉन्ट टू लुक बैक एंड सी कि कौन से आंसर शीट में मैंने क्या गलती की थी, यू कैन क्विकली लुक इन टू इट. यू कैन सर्टनली एनरोल फॉर द टेस्ट सीरीज, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, गो चेक इट आउट. नंबर 2 थिंग इज मेंटल क्लैरिटी. काफी बार क्या दिमाग में कंफ्यूजन है, इस सब्जेक्ट में ये किया है, इस सब्जेक्ट में ये किया है, ये 30% हुआ, ये 40% हुआ, कुछ पता नहीं कहां पे क्या छोड़ा है. देयर इज नो क्लैरिटी.
तो सबसे पहली थिंग, अवॉइड कंफ्यूजन एंड हैव दिस क्लैरिटी. एक बड़ा सा शीट ले लो, हर सब्जेक्ट का आपका करंट स्टेटस लिख दो. करंट स्टेटस में भी पूरा लिख दो कि कौन सा चैप्टर हुआ है, एमसीक्यूज हुए हैं क्या, क्वेश्चन सॉल्व करके हुआ है क्या, पूरा डिटेल में क्लैरिटी के साथ लिख दो. नंबर थ्री थिंग विच यू कैन स्टार्ट डूइंग इज खुद के गोल्स को ना छोटे छोटे, बड़े गोल को छोटे गोल्स में बांटो. जैसे कि कभी ये प्लान मत करो कि आज दिन भर में मुझे सिंगल एंट्री करना है. आपको क्या करना है, सुबह 6 से 8 में मुझे सिंगल एंट्री के ये 5 सम्स करने हैं. राइट, तो दिन भर का एक चेकलिस्ट बनाओ कि 6 to 8 5 सम्स, 9 to 12 10 सम्स, ऐसे बना लिया. और जैसे ही वो 2 घंटे खत्म हुए, वो चेकलिस्ट के सामने टिक मार्क लगा लो. द मोमेंट यू प्लेस दैट टिक मार्क, आपके अंदर ऑटोमेटिक डोपामिन रिलीज होता है. यू स्टार्ट फीलिंग गुड, यू स्टार्ट फीलिंग दैट प्लेजर, एंड आप और एक्साइटेड होके और मोटिवेटेड होके पढ़ाई करते हो. तो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर श्योर. स्टार्ट डूइंग दीज लिटिल थिंग्स एंड आप खुद प्रोडक्टिविटी एंड एक्साइटमेंट लेवल्स राइज देखोगे आपके पढ़ाई में फॉर श्योर. नंबर थ्री थिंग, दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग, फोमो. यू नो अपनी मिलीनियल जनरेशन है, यहाँ पे समवेयर फोमो के वजह से अपन बहुत अफेक्ट होते हैं. फोमो मतलब क्या, फियर ऑफ मिसिंग आउट. कोई और कोई चीज कर रहा है, किसी और के पास कोई चीज है, तो अपने को लगता है यार मेरे पास क्यों नहीं है, मैं क्यों वो नहीं कर पा रही हूँ. तो सेम थिंग अपन पढ़ाई को करना शुरू करते हैं. वॉट वी आर गोइंग टू डू इज एक 3 से 4 फ्रेंड्स का एक स्टडी सर्कल बना लो, एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लो. उसमें एक प्रोटोकॉल रखना है कि रेगुलर बेसिस पे सुबह टारगेट्स भेजो खुद के कि आज मुझे ये चैप्टर खत्म करना है. डे एंड पे आपको आके रिपोर्ट करना है कि आपका हुआ है क्या नहीं हुआ है. तो उसमें क्या होगा कि सपोज 2 फ्रेंड्स का हुआ है, उन्होंने डे एंड पे लिख दिया टारगेट सक्सेसफुली अचीव्ड, और अगर आपने टारगेट अचीव नहीं किया तो आपके अंदर वो फोमो आ जाता है, अरे यार बाकी सब तो पढ़ाई कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं पढ़ाई कर रही हूँ. तो नेक्स्ट डे अगर आप 5 बजे का अलार्म सेट करते हो ना, तो खुद से ही 4 बजे उठोगे, बिकॉज आपके अंदर वो ड्राइव रहेगी, नहीं 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 मुझे आज करना है, बाकी के लोग कर रहे हैं मुझे भी करना है. तो दैट फोमो बिल्ड्स इन एंड दैट्स गोइंग टू हेल्प यू फॉर श्योर 100%. तो अगर आपको ये 3 चीजें लगती है कि हाँ यार मैम ये 3 चीजें कुछ अलग है, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट डूइंग दिस इमीडिएटली, कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो कि मैम वी आर ready to do this for the next 7 days and we are ready to put in our blood, sweat and tears in this course for the next 60 days and we would come out with flying colors for sure. Aur guys, I am pretty sure you are capable of everything. Bas aapko ek direction ki zarurat hai, focus ki zarurat hai, aur ye 3 steps karke dekho, your focus is going to be back on track aur ye attempt fir aapka hai. I bet you on this. Are ruko, I have got one super duper announcement to make. Unacademy ke sab subscriptions pe flat 20% discount hai. Yes, you heard me right, flat 20% discount. But ye jo offer hai वो बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है, सिर्फ 25 अगस्त तक ये ऑफर वैलिड है. आपको बस कोड RCH10 यूज करना है एंड आप ये ऑफर अवेल कर सकते हो. तो गाइड सोचो, ऑलरेडी अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस के कॉस्ट बहुत कम होते हैं, उसके ऊपर अगर आप ये कोड यूज करते हो फॉर द नेक्स्ट 4 डेज, तो आपको जैसे कि CA फाउंडेशन दे रहे हो दिसंबर में, तो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 11,000 रुपए में मिल रहा है. अगर आप जून में एग्जामिनेशन दे रहे हो नेक्स्ट ईयर, तो 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए में मिल रहा है. That's amazing. Intermediate का examination दे रहे हो नवंबर में, 6 महीने का subscription कुछ 27,000 rupees में available है. And अगर आप May 24 में नए course में examinations देने वाले हो, तो आपको बस 33,000 rupees में पूरे 6 subject का subscription मिल रहा है. तो that's just amazing. That is just blowing my mind. 33,000 में पूरे साल भर का subscription. And अगर आप नए course में examination दे रहे हो, तो टीम संकल्प के तरफ से नए कोर्स के हिसाब से CA इंटरमीडिएट ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के हिसाब से 18 अगस्त को एक बैच बिगिन हो चुकी है. न्यू कोर्स के हिसाब से आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है. इसके साथ साथ लाइव इंटरएक्टिव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, एक ही सब्सक्रिप्शन में फास्ट ट्रैक मैराथन, एवरीथिंग गेट्स कवर्ड हियर. CA फाउंडेशन के लिए अगर आप दिसंबर में एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो एक फास्ट ट्रैक बैच बिगिन हो चुकी है महाबली टीम की तरफ से. सारे बैच के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, गो एंड चेक इट आउट.